Hello everyone, welcome to our channel. This is Shalini Sharma. We are reading Forest Society and Colonialism, chapter number 4, grade 9. ठीक है, हमने अभी तक ये पढ़ा था, बस्तर वाला टॉपिक हमारा चल रहा था. देखो, बस्तर वाले टॉपिक में सब कुछ लास्ट में, हम ऐसे नहीं सोच सकते कि जब वो मैं पता चला वो लीडर है, वो भी अलाइव है. मैंने बताया आपको, एम्पायर भी जो पूरा है, हम तभी उसको मानते हैं कि राजा जीता है जब या तो वो कैद में हो राजा, या फिर उसको मार दिया गया हो, मगर स्टिल द लीडर वॉज अलाइव. तो वो हम ये नहीं बोल सकते कि ब्रिटिशर्स जो थे वो उसमें लास्ट में उन्होंने जब 3 months के अंदर अंदर पूरा वो गेन कर लिया था, वापस से रीगेन कर लिया था अपना कंट्रोल, तो वो जीते, हम ये नहीं बोलेंगे. वैसे क्या हुआ था कि इन सब चीजों के होने के बाद भी चीजें सुधरी नहीं थी. अभी भी उन्हें फॉरेस्ट से बाहर ही रखा जा रहा था, अभी भी उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे. इवन जो वर्ल्ड बैंक है जिससे लोन लेता था इंडिया, उन्होंने एक बात ये कही थी कि जितने भी 46 हेक्टर्स में ट्रॉपिकल जो पाइन्स बोल सकते हैं, या जो दूसरा जो अपना ना, जिससे हम पेपर, उनको क्या चाहिए था, पेपर चाहिए था. क्यों? क्योंकि टिम्बर का कल्टिवेशन करना था उन लोगों को बेसिकली. क्यों? क्योंकि उस एरिया में, वहां पर ब्रिटेन में इतना अच्छा फर्टिलिटी नहीं है जितना कि इंडिया में है टिम्बर के लिए. तो उनको क्या लग रहा था, जो साल के पेड़ है उनको तो हटा दिया जाए. उन्होंने बोला कि साल के जितने भी पेड़ हैं वो तो हटा दिए जाएंगे, और हम जो है उसमें स्टार्ट कर देंगे ट्रॉपिकल पाइन उगाना. ट्रॉपिकल पाइन हम उगाएंगे पेपर के पल्प के लिए. तो ये जो है ये बहुत बड़े हेक्टर में मतलब कर दिया गया, 4600 हेक्टर जो है वो टोटली क्लीन कर दिया गया साल के पेड़ों का. तो ये जो कुछ चीजें हैं वो अभी भी सुधरी नहीं थी, वो इतना कुछ होने के बाद भी अभी प्रॉब्लम वही थी. मगर हाँ, कुछ टाइम बाद जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने बोला कि ये साल के पेड़ इस तरीके से इतनी जल्दी जल्दी ना काटने में ही भलाई है फर्टिलिटी के लिए. तो बहुत कुछ, इतनी लड़ाई होने के बाद भी जो हम ये बोलेंगे कि जो प्रॉफिट था वो फिर भी अभी भी ब्रिटेन वालों के ही हाथ में था. वैसे ही एक एग्जाम्पल हम देते हैं, लेते हैं जावा का, जावा बेट फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा. जावा के बारे में पढ़ते हैं. देखो, सेम चीज है, सेम प्रॉब्लम उन्होंने भी फेस करी थी. जो डच थी, जहां से यहां पे ब्रिटेन था वहां डच थी, वो कंट्री उन पे रूल कर रही थी. तो जो कॉलोनियल रूल इन जावा बाय डच ने किया था, जो अब नीदरलैंड हम बोलते हैं ना, उन्होंने. जावा इज फेमस फॉर राइस. अभी प्रेजेंट में जावा बहुत फेमस है राइस के लिए, राइस की कल्टिवेशन के लिए. इट वॉज कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन जावा. जो ऑलमोस्ट जो एरिया है वो कवर था फॉरेस्ट एरिया में, जावा में ज्यादातर वहां पे फॉरेस्ट ही था, जैसे इंडिया में हम कह सकते हैं. तो वहां पे क्या हुआ, जो फॉरेस्ट एरिया था, जब डच ने वहां पे रूल स्टार्ट किया तो उन्होंने फॉरेस्ट मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया. जितना भी मैनेज होगा, जो भी चीजें, जो वुड कटिंग का काम हो गया, कैटल का ग्रेजिंग का हो गया, वो सब उनके अंडर में था. वो सोच रहे थे हम ही अब यहाँ के भगवान, जैसा इंडिया में चल रहा था. टिम्बर टू बिल्ड शिप. अब उनको भी क्या लग रहा था, हम टिम्बर का ही जितना हो सकता है वहां पे टिम्बर उगाए. टिम्बर क्यों? शिप बनाना था. शिप क्यों बनाना था? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और वो भी डच से जावा टू डच, डच टू नीदरलैंड. मतलब इनको ऐसे ही घूमना था. इन चीजों के एक्सपोर्ट के लिए उन्हें बहुत ज्यादा टिम्बर की जरूरत थी, और टिम्बर शिप बनाने के लिए जरूरत थी. एंड दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग टिम्बर. और फाइनली क्या हुआ, टिम्बर की कल्टिवेशन स्टार्ट कर ली. ठीक है, अब ये जो कलंग के बारे में बात कर रहे, कलंग एक जगह है वहां पे, जावा, सॉरी, एक कम्युनिटी है, जावा कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स. अब ये जो कलंग लोग होते हैं ना, वो बहुत स्किल्ड होते हैं, क्योंकि आप बेसिकली देखोगे तो वो लोग जैसे यहाँ आदिवासी है वैसे कलंग है वहां पे. तो वहां पे वो लोग फॉरेस्ट की कटिंग में, जो पेड़ होते हैं ना, कितना पेड़, ये नहीं कि फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन के लिए पेड़ काटने के लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं था. जो पेड़ काटने का एक तरीका होता है कि आप कितने, जैसे अब उनके जो ब्रांचेस हैं वो कितनी ब्रांचेस काटोगे तो नए ब्रांचेस आएंगे. आप पूरा पेड़ काट दोगे, जस्ट हाफ कर लोगे, हाफ से ज्यादा पेड़ काटोगे तो वापस थोड़ी रीग्रो हो सकता है. मगर उन्हें ये आइडिया था कि हम कितने उनके ब्रांचेस काटे और किस तरीके से पेड़ काटे कि वापस से उगे वो पेड़. तो इस तरह से उन्हें आइडिया था कि कैसे पेड़ों की कटिंग होती है, और उन्हें यह भी पता था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे होता है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमने समझा था, एक जगह करते हैं हम कल्टीवेट, फिर उसको एक या दो साल से ज्यादा कल्टीवेशन वहां नहीं करते, फर्टिलिटी के लिए छोड़ देते हैं, दूसरे प्लॉट में करना स्टार्ट करते हैं, फिर उसको भी हम 1 से 2 साल बाद छोड़ देते हैं. ठीक है, तो ये जो है वो बहुत ज्यादा उसमें एक्सपर्ट थे.
इट वॉज टिम्बर टू बिल्ड शिप स्टार्टेड कल्टिवेशन जावा कम्युनिटी समझ में आ गया कलंग है और स्किल फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन में परफेक्ट है. इन 1755 की बात हो रही है स्प्लिट ऑफ माताराम किंगडम. स्प्लिट हुआ दो उसमें डिवाइड हो गया होगा वो जो किंगडम था जो राजा उस टाइम वहां पे तो उन्होंने क्या किया किंगडम को डिवाइड किया. तो 6000 फैमिली इक्वली डिवाइडेड बिटवीन टू किंगडम. जो दो किंगडम जो डिवाइड किए उन्होंने तो क्या किया 6000 जो फैमिलीज थी इक्वली डिवाइड करी थी. क्यों? क्योंकि तो वो बहुत एक्सपर्ट है तो उस किंगडम को भी चाहिए था अपने पैलेस में जो वुड लगे या वुड का जो भी काम होता ना इंटीरियर वाला एक्सटीरियर वाला गेट का जो भी काम कार्ड बना लिया तो इन सब चीज के लिए उन्हें पता था ये एक्सपर्ट है. तो उन्होंने सहमति से लड़ाई झगड़े के बिना मीटिंग करके विदाउट आर्ग्यूमेंट उन्होंने 6000 फैमिलीज को डिवाइड किया था इक्वल पार्ट में. ठीक है इक्वली डिवाइडेड बिटवीन टू किंगडम्स एज दे वर एक्सपर्ट इन हार्वेस्टिंग टीक. देखो टीक उगाने में हार्वेस्ट करने में भी वो एक्सपर्ट थे. किंग्स नीड टू बिल्ड पैलेस. अब वो टीक है जो वुड है उसकी कटिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि वो अगले साल भी उगे वैसा नहीं हमेशा के लिए खत्म हो गया पेड़. तो उसको उगाने के लिए हार्वेस्ट टीक जब वो कर रहे हैं तो उनके लिए किंग को क्यों क्या भी पैलेस में जो भी लकड़ियां लग रही है वो उनके उन्हीं के वजह से लग रही. तो उन्होंने बिना लड़ाई झगड़े के 6000 फैमिलीज को डिवाइड किया था. इन 70 की बात हो कलंग्स अटैक डच फोर्ट बट अप्राइजिंग वाज सप्रेस्ड. देखो कलंग वालों ने क्या हुआ डच वालों को जो फोर्ट था वहां पे वायलेंस हुआ ना वहां पे उन्होंने अटैक किया उन लोगों को मारा अपने तरीके से. वही पिस्टल वगैरह नहीं था जो कि आप वो सब चीजें जो वहां पे अवेलेबल हो एक फॉरेस्ट में क्या अवेलेबल होगा उस तरीके से सोचिए तीर कमान या फिर उनका जो नेचुरल जैसे मैंने बताया पत्थर रॉक छोटे छोटे है ना पेबल्स वगैरह उन सब से वो मारते थे. तो अटैक तो किया मगर ये जो अपराइज हो रहा था इनका वॉयलेंस इनका जो इनके अगेंस्ट में होना इनका प्रोटेस्ट चालू होता उससे पहले ही डच वालों ने उसको खत्म कर दिया उस चीज को वहीं रोक दिया पनिशमेंट दे के रोक दिया जेल भेज के रोक दिया और कुछ लॉज बना के वहीं स्टॉप कर दिया. तो एक्चुअली ये हम बता रहे हैं कि जैसा यहां बस्तर में हुआ वैसा वहां पे कलंग में भी हो चुका है डच में डच की वजह से जावा में. ठीक है डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जैसे यहां पे था फॉरेस्ट लॉ लगाया था वैसे वहां क्या हुआ ये बताते हैं. इनएक्टेड फॉरेस्ट लॉ वहां पे भी एक्ट कर दिया गया. रिस्ट्रिक्टेड विलेजर्स एसेस टू फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट जाने के लिए जो विलेजर्स थे उनको मना कर दिया गया आप नहीं जा सकते हो. वुड वॉज स्पेसिफाइड. देखो वुड जो उनको जरूरत पड़ती थी वही लकड़ियां वही पेड़ वो लोग उगाने के लिए अलाउ करते थे जैसे रिवर बोर्ड बनाने के लिए हाउसेस बनाने के लिए. तो देखो इसमें भी उन्हीं का ही फायदा है वो लकड़ियां वही आप लगा सकते हो वही उन्हीं की कटिंग कर सकते हो जस्ट जो कि रिवर बोट बनाने के काम में आ या फिर हाउसेस बना के काम में आ रहा है. उनको भी रहना है डच वालों को तो उन्हें पता है उनको लकड़ी के घर में रहना है तो वही चीजें वो अलाउ कर रहे थे. विलेजर्स वर्क पनिश फॉर ग्रेजिंग कैटल्स. सेम चीज हो रही है उनको अंदर कैटल्स को ग्रेज नहीं कराने दिया जा रहा फॉरेस्ट में. ट्रेवल टू फॉरेस्ट विद कार्ट एंड कैटल्स जो पनिश किया जा रहा था अगर वो फॉरेस्ट में जा रहे थे किसके साथ कार्ट के साथ काट बनाने के लिए और काट लेके जाने के क्यों मना कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है वो फॉरेस्ट में पेड़ों की कटिंग करें लकड़ियां वो खुद अपने काट में डाल के और वापस आ जाए तो वो अलाउ नहीं थे. पहले वहां स्टॉप कर दिया गया था कैटल खाने पीने के लिए कैटल्स को भी ले जाना मना था. ठीक है अब देखो इसुरन टिको सेवन थे उनके बारे में यहाँ पे बताया गया. हम जावा की ही बात कर रहे हैं अभी. लिव इन रेंदू ब्लैटन विलेज. एक विलेज है यहाँ पे वो रह रहे हैं मगर ये थोड़े से आप ये बोल सकते हो पढ़े लिखे नहीं थे मगर इंटेलिजेंट थे. जैसे यहाँ पे आप बोलेंगे कि जो अगेंस्ट में जा रहे थे ना हमारे प्रोटेस्ट कर रहे थे जो इंडियंस वैसा ही वहां पे एक इंडियन जो आगे बढ़ा प्रोटेस्ट करने के लिए इनके डच वालों के अगेंस्ट में. ठीक है आर्ग्यू अबाउट वॉटर अर्थ लैंड वुड वॉज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेट. कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने बोला ये जो स्टेट ये बोल रहा है कि ये हमारे अंडर में है ये हमने ले लिया ये मैनेजमेंट हमारे अंडर में फॉरेस्ट का तो क्या वो भगवान है इसके क्या लैंड के अर्थ के वाटर के वुड के क्या उन्होंने उगाया है ये नेचुरल रिसोर्स तो भगवान ने दिया है. तो आप कैसे किसी चीज को अपने अंडर में ले सकते हो किसी और के बच्चे को आप कैसे ये बोल सकते हो मेरा बच्चा और ये मेरे अंडर में मैं जैसे चाहूंगा वैसे ही इसको सर्वाइव करने के लिए अलाउ करूंगा.
तो उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली कि उन्होंने आर्ग्यू दिया कि जो स्टेट है, डच के बारे में बात कर रहे हैं, वाटर अर्थ लैंड वुड वॉज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेट, स्टेट ने क्रिएट नहीं किया, ये उनके अंडर में नहीं आता है. ही प्रोटेस्ट एंड लाइंग डाउन ऑन लैंड विथ सन एंड लॉज, वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया और जो एरिया था, जो प्लॉट्स, जो कल्टिवेशन के लिए प्लॉट्स ले रहे थे, या जो फॉरेस्ट वाला एरिया था जिसको काटा जा रहा था, तो वो क्या कर रहे थे, वहां लेट जाते थे कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाए. डच के जो ऑफिसर्स हैं वो आगे बढ़ ही नहीं पाए पेड़ों को काटने के लिए. मतलब उनका ये मतलब था कि पहले हमें मारो, उसके बाद ही आप पेड़ों की कटिंग कर सकते हो. और वो उनका साथ कौन दे रहे थे, उनके सन इन लॉ. सन इन लॉ मतलब उनकी बेटियों के हस्बैंड्स, ठीक है. रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, उन्होंने बोल दिया हम कोई टैक्स नहीं देंगे, हम टैक्स देंगे ही नहीं. जो आप बता रहे हो ना इनके, ये टैक्स देना पड़ेगा यहां रहने के लिए या इसको यूज करने के लिए, तो हम ऐसा कोई टैक्स नहीं देंगे. 1907 में 3000 फैमिलीज वॉज विद हिम. फाइनली 3000 फैमिली, एक जो ये है सैमिन, उन्होंने स्टार्ट किया अपने सन इन लॉज के साथ, फाइनली 3000 फैमिलीज उनके साथ हो गई. ये प्रोटेस्ट ही करने का तरीका था, उनको रोकने का तरीका था. तो एक जावा का पूरा ये एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है, वही फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनियलिज्म. और यहाँ पे कौन था, जावा के बारे में बात हो रही है. रूल कौन कर रहा है, डच, जो नीदरलैंड हो गया. इतनी बात समझ में आ गई है. चलिए अब देखो, हम बात कर रहे हैं वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन का. वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन में क्या है, वॉर उनके बारे में बात नहीं हो रही जो इंडिया में हुए थे, सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात हो रही है. मेजर इंपैक्ट ऑन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की कटिंग में इनका भी बहुत मेजर इंपैक्ट रहा था. किस बारे में, सिर्फ एक इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम जावा के भी बारे में बात कर रहे हैं. इन इंडिया कटिंग ट्री अबंडेंटली, द वर्किंग प्लान मेजर डिफॉरेस्टेशन टू मीट वॉर नीड. कटिंग ट्रीज किस लिए, वॉर में यूज करने के लिए. हमने पहले भी पढ़ा है वहां की सप्लाई होता था. जर्मनी ब्रिटेन, जो ए और बी टीम, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था ना, ए और बी टीम कैसे लड़ रही है, जिसमें जर्मनी जापान वो लोग हैं, ब्रिटेन है तो अलग दूसरी टीम में, तो उनको क्या चाहिए था, हर चीज के हर काम के लिए एक तो वर्कर चाहिए थे, वो इंडिया से गए थे. और फॉरेस्ट की कटिंग इसलिए होती थी क्योंकि वुड चाहिए था, वुड किन चीजों के लिए, वॉर में काम आ रहा था. तो ये जो एक तो प्लानिंग के साथ कटिंग हो रही थी, मगर वो प्लानिंग तो उन्होंने सब कुछ हटा दिया, सोचा इनको तो हटाओ, प्लानिंग जितना हो सकता उतने पेड़ों की कटिंग करो. तो मेजर डिफॉरेस्टेशन उस टाइम पे इंडिया हुआ, इंडिया में होता टू मीट वॉर नहीं, वॉर में कम, इंडिया से रिलेटेड नहीं, सब कुछ फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात हो रही, वहां पे जा रहा थी सारी. और जावा में क्या हो रहा था, जैपनीज वर गोइंग टू ऑक्यूपाई रीजन. अब क्या हुआ, जैपनीज जर्मनी की तरफ है ना, उन्होंने जावा वाले एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था. लड़ते लड़ते वो इंडिया के काफी करीब आ गए थे, म्यांमार और इंडोनेशिया उस तरफ ही है ना. तो देखो उन्होंने क्या किया, वो जो जावा वाला एरिया है वो उनको, उन्होंने अपना वो जो रीजन है जैपनीज ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो डच वालों को वहां से भागना पड़ा, जाना पड़ा, भाई हार तो वो गए ही थे. तो डच फॉलोड द स्क्रॉस्ड अर्थ पॉलिसी. इसमें क्या होता है कि उन्होंने जितने भी वहां पे कटिंग करी ना, जावा में पेड़ों की कटिंग करी या उसकी फैक्ट्री लगाई या अपना कल्टीवेशन किया या उस पेड़ों लकड़ियों से बनाए हुए सामान को सबको उन्होंने बर्न कर दिया, जला दिया. डच बर्न जाइंट टीक लॉग्स, लॉग्स बड़े बड़े जो लॉग होते लकड़ी के लॉग्स, उनको सबको जला दिया उन्हें. सो जैपनीज डिडंट गेट दैट, जैपनीज उसको यूज नहीं ले सके. अब जब जैपनीज देखा उन लोगों ने कि भाई यहाँ तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिला, तो अब वो जो ऑलरेडी उगे हुए पेड़ है उनको काटा उन्होंने. तो जैपनीज यूज फॉरेस्ट रेकलेसली फॉर वॉर, अंधाधुंध यूज हो रहा था फॉरेस्ट की लकड़ियों का जैपनीज द्वारा. जो जल चुकी थी उसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो जो बची उन्हीं को यूज कर लो. तो वैक्यूम ऑफ पावर, अब यहाँ पे वैक्यूम ऑफ पावर क्या होता है, पीपल एक्सपेंड कल्टिवेशन लैंड एंड डिफॉरेस्टेशन. अब क्या कर रहे हैं लोग, जब ये भी लड़ रहा है वो भी लड़ रहा है, चलो होता है ना बीच का बंदर कि उसको दोनों बिल्लियां लड़ रही, उन्हें रोटी नहीं मिली, बीच के बंदर को मिली. तो वो अब पीपल सोच रहे हैं कि ये भी, इनका भी कोई काम नहीं हो रहा, ये भी कल्टिवेशन हम एक काम करते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हम इसी में कल्टिवेशन भी कर लेते हैं. तो जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा था तो उन लोगों ने साथ दिया, उन लोगों का, उन्होंने भी पेड़ों की कटाई करी, वो जो पेड़ थे उससे घर बनाए, उनका यूज में लिया और पेड़ हटा हटा के कल्टीवेशन स्टार्ट कर. तो चारों तीनों चारों तरफ से ही
क्या हुआ कि फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हुआ, किसी एक रीजन से नहीं देख सकते आप। ये देखिए कितने रीजन है जिन कारण से हमारे जो पूरी अर्थ में जो डिफॉरेस्टेशन का, आज से नहीं कब की बात हो रही है, कितने कितने सालों पुरानी बात हो रही है, तब से डिफॉरेस्टेशन चला आ रहा है। तो अब कहां पेड़ बच रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं बचेंगे। अब जितना हो सकता है पेड़ को आप उगाइए, कोशिश करिए घर के आगे दो पेड़ जरूर लगाइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।